गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज डेट है 6 सितंबर 2022 और सुबह के बज चुके हैं 7। आज फिर से एक नए व्लॉग के साथ में आप होते हैं फ्रेश। फिर वही नौकरी और डेली रूटीन, बस कुछ कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से खास हो जाते हैं। सुबह 7:15 बजे क्या सिचुएशन है सोने उठने की वो दिखाता हूँ। राजन भाई, सुबह के बज चुके 7:45। अब करते हैं तैयारी नाश्ते की। नाश्ता क्या बनेगा ये पता नहीं, खाना क्या बनेगा ये पता नहीं, लेकिन जो भी बनेगा उसमें प्याज पक्का डलेगी और भरपूर मात्रा में डलेगी। तो देखते हैं क्या बनने वाला है। भाई पोहा तो ही ख़त्म हो गया, क्या है इसमें? टाइड, और इसमें तो राइस दाल वाल भर रखी है। पोहे से रिलेटेड कुछ है ही नहीं भाई। ओ राइस बचा है, इसको फ्राई किया जाएगा नाश्ते के लिए। और प्याज तो काटना पड़ेगा, तो प्याज काट लिए तैयारी। देखते हैं फ्रिज में क्या क्या रखा है। हर बात में मिर्ची तो कटेगी, तो सबसे पहले तो मिर्ची निकल लेते हैं। मिर्ची निकालने के बाद देखते हैं रवा बुलाते तो एक आधा टमाटर भी ले लेते हैं, ऐसे लगेगी। और 2-3 नहीं 4-5 लगेगी, अभी तो 3 लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। काटने के लिए स्पेस लीजिए। मैंने अभी थोड़े दिन पहले आलू की सब्ज़ी बनाई थी, एकदम छोटी छोटी लंबी लंबी पीस करके, बहुत अल्टीमेट बनी थी। तो आज वही बनाने उसी बनवाने वाले हैं। सबसे पहले की तैयारी इधर कंप्लीट। भाई आलू का भरता उबालने की तैयारी में लगा था, वापस सेट प्लानिंग कैंसिल। अब आलू कटेगा और आलू की सब्जी बनेगी और ये हमारा तपन भाई बनाएगा। भाई एकदम मुँह धो के आ जाओ, जब तक हम कट करके रखते हैं, है ना? तपन भाई की आलू की सब्जी बनके रेडी। तो करेंगे दूसरे बर्तन में ताकि चावल फ्राई कर ले अपना नाश्ता वाला। फाइनली हमारा नाश्ता और खाना टिफिन के लिए दोनों रेडी हो चुका है। फिर से किसका किसका किसके टाइम की बात कर रहा है? और नहीं कल क्या, कल ऐसा क्या देखा ये होता पहले? हाँ तो बता ना अपना टाइम टाइम। हाँ तो बता ना टाइम नहीं। देखो एक रिकॉर्डिंग की वजह से तुम्हें नाश्ता लेट मिल रहा है, दूसरा रिकॉर्डिंग करो है ना? ये चावल नहीं खाऊंगा। इसका छोड़ो, इस बंदे को बोलो कि 3:30 बजे सोता है, तो 3 बजे खाना बना के सो जाओ। नहीं अभी उसी ने खाना बनाया दोनों, उठाया ना तुमने इस वजह से। हाँ तो उठाया भाई कि नहीं? वो लेकिन उसको जब बोलते हैं ना, जब उठ के कर लेता है वो भाई। हाँ बटर ये पार्वती भाई हमारे यहाँ हाउसकीपिंग में अभी तक काम किए कितने साल हो गए? 7-8 साल। बहुत पुराना है। और आज लास्ट डे है, इसके बाद नहीं आने वाले। फाइनली आज का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं और हम अब निकलने वाले रूम के लिए। ये हमारा बरसात का देसी जुगाड़ है, अब बरसात ही नहीं लगी तो ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा।
देखो यार एक के अलग में मान गया। चलो आज बारिश का मजा दिखाएंगे तुमको। फाइनली घर पहुँचते पहुँचते बारिश भी बंद और हम भी रूम में पहुँच गए। फाइनली रूम पहुँच गए हैं और रूम का गेट बंद है। देखते हैं बेल बजाइए इस आइटम ने कौन खोलने आता है। अरे घर की बड़ी बहू, वाह यार। अच्छा आते आते एक बात पे डिस्कस हुआ यार। तुम चुप रहना, मैं बोलता हूं। चलो चलो तुम ही बोलो, तुम ही बोलो, तुम ही बोलो। चलो एक बात नहीं करना, नहीं नहीं एक सिंपल सा तुमसे क्वेश्चन करता हूं, है ना, है ना। आन मार के बुलाना किसी को गलत है क्या? क्या बात, किसी के घर मार के बुलाना किसी को गलत, किसी के घर के आन हार। अरे गाड़ी का यार सुनो, किसी के घर के सामने गए, अननोन पर्सन, अननोन पर्सन है और हार्न मार के हम बुला रहे हैं घर में से। उसको तुम क्या मवालीगिरी बोलते हो क्या? हाँ बुला रहा है तो, लेकिन वो पहचान का होगा तो, हाँ होगा तो। और किसी और जिसको हम जानते नहीं उसके यहाँ पे अगर अगर हॉर्न मार के अपन तीन चार बार, और अभी ऐसा बंदा बोल रहा है जिसके घर पे जाके खा के आ गया है ठूस ठूस के और बोल रहा है कि अपन उसको जानते नहीं है। एक बात बोल यार, इस तरीके से चलती रहती है तो होते हैं फ्रेश अप, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फाइनली खाना रेडी है, खाना खा लेते हैं। वाह यार भाई की डाइट बड़ी गजब की है यार। फाइनली गाइस एडिटिंग ख़त्म हो चुकी है और दो और अब टाइम हो गया है तो अब सोते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।